चलेगा? पापा ने विधि बताया, बच्चे कोई समस्या हो, कोई दुविधा हो, बाबा के कमरे में जाओ, बाबा आपके बच्चे कहते, बहन जी कहते सेवा करो, और आप कहते हो मुरली सुनो, तो किसका सुनो? दुविधा होती है, तो बाबा तुरंत आपको जवाब देगा, बच्चे मुरली सुनो, बच्चे ये युक्ति रचो। तब बाबा ने कहा मैं पढ़ाने आया, बच्चों को समझाने आया, संसार में चलते हुए कब दुविधा होती है, क्या करो क्या नहीं करो, संशय होता है, ये करो कि ये करो, कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है, तो क्या करना चाहिए? तो बाबा ने कहा मैं बैठा है ना बाबा के कमरे में, बेटा कल बताया था, बाबा सुनता है कि नहीं सुनता है? माता जी कहते नहीं सुनता, हाँ बोलते नहीं है, हाँ सुनता है, कैसे सुनता है वो भी उदाहरण बताता, अभी माता जी के मन में संशय है बाबा कहाँ सुनता है, इसलिए उनको सुनाना पड़ेगा ना, कल नहीं आए होंगे, हाँ इसलिए हाँ नहीं करे पता चलता है, हाँ बाबा सुनता है, अभी उसका एक आपको प्रैक्टिकल बताओ, जीवित है कहानी है। देखो एक व्यक्ति अफ्रीका में, गुजरात का भाई, दो लड़कियां है एक लड़का है, अफ्रीका में था, गुजरात का डॉक्टर है, और वो सत्यनारायण की पूजा हर महीने सत्यनारायण की पूजा करता था। एक दिन उसको ये ज्ञान मिला, ज्ञान सुना प्रदर्शनी में, 7 दिन ज्ञान सुना, कहते योग कैसे करो, योग लगता नहीं। तो बहन जी से पूछा, बहन जी ज्ञान आपका बहुत अच्छा है, मैं भगवान से योग कैसे लगा? तो बहन जी ने कहा वो तो आपको बाबा सिखाएगा। दूसरे दिन आया, बहन जी उस बाबा से मिला मुझको, मुझे योग सीखना है। वो भैया वो बाबा इधर नहीं हो, तो माउंट आबू में है, चलेगा मुझे माउंट आबू भेज दो। नहीं आप अभी जा नहीं सकते हो, कम से कम 2-4 साल आप ज्ञान में चलेंगे तब जा सकते हो। नहीं मुझे आज ही जाना है, कितना भी खर्चा हो कुछ भी करना हो मुझे आप माउंट आबू भेजो, रोज आके एक ही। बहन जी मुझे योग सिखाने के लिए माउंट आबू मुझे जाना ही है। अभी बहन जी परेशान होगी क्या करे, तो बहन जी ने कहा भैया आप जाओ वहां मधुबन में, जाते बाबा का कमरा है, बाबा के कमरे में बैठो और बाबा को बताओ बाबा आपको सिखाएगा। अभी बाबा तो नहीं है, चित्र फोटो है, वो आया किसी की पहचान भी नहीं, आते ही पहले कब सामान कमरे में रखा, बाबा के कमरे में बैठ गया। तो किसी को पता था कोई नया व्यक्ति है, तो उसको कहा भैया आपने नाश्ता किया? नहीं, कहाँ मिलता है नाश्ता? उसको कहा यहाँ नाश्ता करो, नाश्ता किया फिर आके बैठा। बाबा बाबा आपके बच्चे ने मुझे भेजा है, मुझे आप योग करना सिखाए, और 3 दिन के लिए आया है। तो एक दिन चला गया, नाश्ता किया आके बैठ गया, खाना खाया बाबा कमरे में बैठा, तो रात को 11 बजे तक किसी ने कहा अभी दरवाजा बंद होने वाला है आप जाके सो जाओ, तो गया। दूसरे दिन सवेरे आया, तीसरे दिन आया, कल सवेरे जाना है। शाम को 5 बजे बाबा के कमरे में बैठा था, और 5:30 से 6:30-10:12 विदेशी थे, उनका क्लास होने वाला था, तो अनाउंसमेंट हुआ ये भाई क्लास करेगा। मैं सोया हुआ था, मुझे कहा आपको 5:30 बजे तक आके विदेशियों का क्लास करना चाहिए। हमने कहा मैं अभी उठा नहीं, स्नान करेगा 1 घंटा लगा, अभी नहीं आज नहीं करता, अब कल करता। उन्होंने कहा कितना भी टाइम हो चलेगा आप ही आना। मैं स्नान करके 6:30 बजे गया, 10-12 थे, पूछा अरे भगवान को कैसे याद करते हो, मुरली क्या सुनी थी, ऐसे पूछा, किसी ने जवाब ही नहीं दिया, नए थे। तो मैंने फिर योग कैसे लगाना सुना, सुनाने लग गया, सुनाते सुनाते वो भाई पीछे दर बैठा था और रोने लग गया। हमने कहा भैया बीमार हो आप? नहीं। तो क्यों रो रहे हो? आज मुझे, मैं कल तक इतनी दुविधा में था, बहन जी ने मुझे फंसाया, भगवान ने करके यहाँ भेजा, यहाँ कहाँ भगवान है? आज मुझे पता भगवान के घर में अंधेर नहीं होता है, देरी होती है। मेरा 2 दिन चले गए, कल सवेरे जाना है, शाम को 5:30-6 बज गए, कल सवेरे जाना है, अभी मुझे खाली हाथ जाएगा, बच्चे मेरी युगल क्या कहेंगे, तुमको दिमाग डॉक्टर हो, भगवान पे पढ़ा था एक ऐसा, तो क्या कैसे मुंह दिखाओ? तो भगवान सुनता है, तब कहते हैं भगवान के घर में अंधेर नहीं होता है, थोड़ी देरी होती है। 2 दिन लगे, जब सुनते सुनते इतना दिल गदगद हो गया, इतना रोने लगा, जा करके सारे परिवार को ले गया, भगवान जहां आता है वहां मैं रहूंगा, विदेश में दोनों बच्चे पति वाइफ कोई आना नहीं चाहते, तुम आओ नहीं जाओ मैं आऊंगा। फिर उसकी वाइफ उनके दोनों बच्चे आज भी गुजरात में हैं, है ना। तो भगवान सुनता है, पढ़ाता है, कैसे पढ़ाए?
उसके हजार भुजाएं हैं।